कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। वे जो कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा है और अन्य दूसरे राजनीतिक दलों को अब उनसे सीख लेनी चाहिए। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष को पीएम मोदी की नसीहत, हार का गुस्सा संसद में मत निकालना। तो वहीं पीएम की नसीहत पर भड़की कांग्रेस। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की नसीहत पर क्या प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। संसद भवन पहुंचने पर पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सर्दी धीरे और राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कल आए 4 राज्यों के चुनावी नतीजे पर भी बात करते हुए सभी देशवासियों का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि हार का गुस्सा सदन में मत निकालना। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीरी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी है ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। तो लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी उतना ही जरूरी है, इसलिए उतना ही सक्षम भी होना चाहिए। ये शब्द पीएम मोदी ने कहे हैं। लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी की ये नसीहत अच्छी नहीं लगी। पीएम की इस नसीहत पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हर चुनाव अलग होता है। जब कांग्रेस ने कर्नाटक जीता तो पीएम ने ये बात क्यों नहीं कही। आइए अब आपको सुनाते हैं कि केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा। ये परिणाम आने के पीछे क्या वजह रही, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वजह हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर ये कहने की कोशिश करे कि वे जो कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा है और अन्य दूसरे राजनीतिक दलों को अब उनसे सीख लेनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के परिणामों का आकलन करने से पहले ही इस तरह की टिप्पणी या सुझाव देना ये कोई मुनासिब नहीं होगा। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, एक लंबे समय से हम देश की राजनीति में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देश की राजनीति में तमाम चुनावों को कांग्रेस पार्टी ने देखा है। हम कभी चुनाव जीते भी हैं, कभी चुनाव हारे भी हैं, लेकिन अगर हारते हैं तो किसी और को दोष देना और जीतते हैं तो स्वयं उसका श्रेय लेना, इस तरह की ये कोई बात में हम विश्वास नहीं रखते। ज़रूर चुनाव के परिणाम जो आए उसका आकलन हम करेंगे और क्या करना आगे के समय में ज़रूरी होगा उसका हम निर्णय करेंगे। तो आपने सुना, ये बात कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हो गई।